सियासी जमातों की जानिब से मुज़ाकरात की कोई ऑफर आई तो सोचेंगे। बानी पीटीआई की कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा हम नून लीग के साथ क्या मौसम की बात करें। एहसन इकबाल ने बयान दिया, बानी पीटीआई 5 साल जेल में रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोई सियासी मुकदमा नहीं बनाया गया, पंजाब और सिंध में हमारे खिलाफ मुकदमात बनाए गए। सी पैक पर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती मैकेनिज्म इजलास से खिताब, कहा सी पैक से पाक चीन दोस्ती मजीद मुस्तहकम हुई। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मनसूबा है। बेल्ट एंड रोड के तहत पहला मनसूबा सी पैक की शक्ल में पाकिस्तान से शुरू किया गया। सी पैक के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। मनसूबे से पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। हुकूमत और पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती बैठक, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुज़ाकराती कमेटियों की मुलाकात में पावर शेयरिंग फार्मूला PSTP पंजाब खुसूसन जनूबी पंजाब के मामला सिरे गौर। पंजाब में पावर शेयरिंग पर भी तबादला ख्याल, पंजाब के इंतजामिया अमूर अहदों समेत दीगर मामलात पर गौर। सिंध के तरक्याती काम खुसूसन सैलाब मुतासर बहाली इलाकों की तामीर व तरक्की का मामला भी सिरे गौर आया। सी पैक मौशी तरक्की का अहम मनसूबा है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास में ज़रे ख्याल, कहा सी पैक पाकिस्तानी मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा तमाम सियासी जमातें इस गेम चेंजर मनसूबे की मुकम्मल हिमायत करती हैं। एहसन इकबाल ने कहा पाकिस्तानी कौम चीन की हिमायत को कभी नहीं भूलेगी। फजल रहमान ने कहा चीन ने मसला कश्मीर पर हमेशा पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफाक की राय है। हिना रबानी खर ने कहा मुश्तरका इजलास में तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी खुश आइंद। चीन मुस्तकबिल में साइंटिफिक पावर के तौर पर सामने आ रहा है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा चीनी वफ्द के दौरे पाकिस्तान का खैर मकदम करते हैं।